नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव पेच का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राकेश टिकैत से। किसानों के नेता राकेश टिकैत की तरफ से अभी ये ऐलान नहीं किया गया है कि चुनाव से पहले क्या वो किसी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं या फिर कोई और बड़ा खेला करने की तैयारी में है। हालांकि अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर बनाई है, इसका साफ मतलब ये है कि सत्ता पक्ष को तो फायदा मिल सकता है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें एक और जहां अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, तो वहीं राकेश टिकैत को अब ये दिखता नजर आ रहा है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स उनके हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए अब वो कांग्रेस के साथ आते नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत अगर चुनाव से पहले कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ते नजर आएंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिलता नजर आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।